How about you? I am fine, thank you. I am Dunuta. आज का संडे को मतलब बड़ा ही अच्छा निकला मेरा, सच्ची बता रही हूँ। कृष्णा ने क्या खाया? Hey guys, good morning, welcome or welcome back to my channel. I hope all are you doing great. So guys, today is Sunday or happy Sunday to all of you. और मैं by the way बता दूं कि आज का संडे बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी वाला है, मुझे देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा, मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10:42 से, और आज इतना लेट हो गया ना उठने में, मतलब पता ही नहीं चला यार, बाहर रात से ही बारिश आ रही थी समथिंग कुछ, और मतलब सुबह तक एकदम बारिश, और अभी भी एकदम मतलब बारिश तो नहीं आ रही अभी, बट वैसा ही वाला मौसम है। तो 10 बज गए थे उठने तक, 10 से ज़्यादा ही हो गया था मतलब। तो बारिश के दिन अब क्या करें, मतलब भूख तो इतनी लगती है और खाना बनाने का भी मन नहीं करता, तो आज कुछ अच्छा ही बनाएंगे। तो सुबह सुबह मैंने बना रखी है अभी तो ब्लैक टी, फिलहाल हम लोग ब्लैक टी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो अपना ब्रदर से हाय, ये तो मतलब कब के रेडी हो चुका है, पता नहीं, मैंने कहा ठंडा नहीं हो रहा यार, कहता बैठा था बेड में, मैंने बोला भाई लेट जा मतलब ओढ़ ले कम्बल, कहता अरे मुझे ठंडा नहीं हो रहा। पतिदेव ने भी नहा धो लिया है और अपना छाता यहाँ पे टांगा, आप लोग देखो पता नहीं क्यों मेरे बैकग्राउंड में 2-3 बार दिख चुका है, अब मुझे हटाना पड़ेगा ये। तो मैं सोचू ब्रेकफास्ट आज क्या ही बनाए यार, क्या खाना चाहेगा नील? जो बना दिया। तो मैं इसको बोल रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स खाएगा। तो सुबह सुबह फिर उसके बाद कोई हैवी सा बना लेंगे मतलब। तो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ, आप लोग बने रहना व्लॉग में और देखना कि हम लोग इस ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ मौसम कैसा हो रखा है। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्योंकि मेरा फोन जो है चार्ज पे लगा हुआ है, एंड बेबी के कपड़े भी सूखे रहे अभी तक, वो उठा नहीं है बाय द वे। तो यस स्टे ट्यून्ड। तो गाइस मेरा कॉर्नफ्लेक्स बन गया है, मैंने इसमें डाले हैं सेब और केला, और अपना मैं चिया सीड्स भी इसमें डाल रही हूँ, और अनिल को भी मैंने दे दिया है। बाय द वे अनिल ने एक कटोरी पहले खा दी है सिंपल वाला जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, तो ये वाला मैंने बना रखा है, तो ये भी वो टेस्ट कर रहा है। तो मेरा तो ये चिया सीड्स वाला है जो काफ़ी ज़्यादा यमी हो रहा था। तो दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा है। ओ माय गॉड, कपड़े कपड़े कपड़े, इस 12:20 हो गए हैं और मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मतलब बर्तन वर्तन झाड़ू वाड़ू सब कर दिया मैंने, एंड खाना भी बना लिया है। यस गाइस, दाल एंड चावल, मतलब मिक्स दाल बना रखी मैंने आज, और मैंने चावल बना ही लिया यार, मैंने कहा हट इतना बवाल कौन ही लगे, तो मतलब सिंपल सा है, तो फिर चावल ना खाओ तो ऐसा लगता भी नहीं है कि लंच कर रखा है। तो ब्रेकफास्ट हमने बहुत हल्का किया था, दैट्स वाई मैंने मतलब चावल दाल बना लिया, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी जगह पे, आप लोग देख सकते हो। ये देखो थोड़ा सा हाथ वाथ गर्म कर लेती हूँ पहले, एंड उसके बाद मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, मतलब वॉइस ओवर देना है। एडिटिंग मैंने रात को कर ली थी कल वैसे, और सैटरडे को मैं काफ़ी लेट सोती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो 2-3 वीडियोज और काफ़ी सारे शॉर्ट्स एडिट किए थे, तो उनको देती हूँ वॉइस ओवर। उसके बाद हम लोग खाना मतलब वही मतलब 2 बजे तक ही खाएंगे, क्योंकि अब भी खा रखा है हम लोगों ने, तो उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहे मेरा व्लॉग। तो गाइस देखो थोड़ा सा हमारा चिकन भी बचा हुआ है और राइस मैंने डाल दिए हैं, अचार भी है साथ में, 2 टाइप की हमारी दाल है, एक तो है ये वाली और दूसरी मैंने गर्मा गर्म बना रखी है मसूर की दाल, क्योंकि ठंडे में मसूर की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये है हमारा लंच। खाओ बाबू, खाओ। सो गाइस 5:30 बज गए और मैं उठ गई हूँ। यार सच्ची बता रही हूँ, संडे के दिन कभी मजा आ गया, मजा आ गया। खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, उठे 10 बजे, खाया थोड़ा सा काम वाम किया, लंच वंच किया, फिर सो गए, अभी उठ रही हूँ। अब सोच रही हूँ यार कुछ तो खाना बनता है ना। क्योंकि यार जब ऐसा मौसम हो ना बाहर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा वाला मौसम, मतलब बारिश वारिश आती रहे बस हो गया, अंदर मतलब लाइट आनी चाहिए यार, जब लाइट आती तो ही तो मजा आता है,
लाइट हो, हीटर वगैरह जलाया हो, आराम से बैठे रहो, बस हो गया, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, क्योंकि सारा तो डाइजेस्ट हो ही जाता है। तो यस गाइस, देखते हैं क्या बनाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, ये देखो मेरा भाई मार्केट जा रहा है, एकदम लास्ट कोने पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो मैं पहले दिखा नहीं पाई इसको, तो लास्ट में मुझे याद आया कि यार मुझे ये शूट कर लेना चाहिए, काफी अच्छा लगेगा। और बच्चे भी वहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और मौसम देखो अभी भी ऐसा ही है, तो वो गया है समोसे लेने के लिए। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, तो ऐसे मौसम में चाय और समोसा तो बनता ही है, तो मज़े ही आ जाएंगे, मज़े आ गए थे मतलब। मैं बोल रही थी कि मैं पहले बना रही थी पकौड़े, मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, बट फिर मेरा भाई बोल रहा था कि मुझे मार्केट जाना है, तो मैंने कहा मार्केट जा ही रहा था, समोसे ही लेके आऊँ फिर वहाँ से। खाली इतना क्या ताम झाम करना कि बनाओ फिर खाओ, इससे अच्छा मंगाओ और खाओ सीधे। और वैसे भी समोसे बहुत टाइम हो गया खाया नहीं है, बहुत टाइम नहीं हो रखा, मतलब हल्द्वानी में खाया था हमने समोसा, एंड उसके बाद हम लोग आज ही खाएंगे। तो मैंने बोला समोसे लेके आना, मैं बनाती हूँ घर पे चाय, समोसे के साथ मैंने मोमो की चटनी बनाई है। आई होप कि मतलब शॉप वगैरह ओपन हो, अदरवाइज कुछ कुछ ऐसे मौसम में तो बंद भी रहती हैं, तो लेट्स सी। सो मैंने किया ये, मतलब लाई पत्ती तो थी, मैं सोची थी लाई पत्ती और उसका बना लूँ हरी मिर्ची को कट वगैरह करके, बट फिर मैंने कहा कि चलो समोसे ही खा लेते हैं आज, मौसम भी अच्छा हो रहा है ना। ये देखो गाड़ी दिखाओ तो, हे भगवान, इन लोग का ये काम चल रहा है गाइस। गाड़ी, किसने बनाया ये गाड़ी? पापा ने। हे भगवान, मैंने जार काट के नीचे को गमला बनाया था, तो ये ऊपर का था, तो इसके पापा ने इसमें टायर का, तो एक बाइक जैसा नहीं लग रहा है, ब्रूम 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 गाइस। एंड ये क्या है, आई डोंट नो, ये भी एक टायर है आई थिंक। सो ब्रूम 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 ब्रूम, प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम, हाथ जोड़ के करो, हाँ जोड़ के करो, प्रणाम प्रणाम। आप लोग कैसे हो, बोलो बोलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम टुनुदा, आई एम फाइन, बोलो, आई एम फाइन। ओह माय गॉड, इसने बहुत ज्यादा बोल दिया है गाइस, आई एम फाइन। बाबू इधर आओ, अब बोलो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, वो ही बोलना अच्छा लग रहा उसको, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू, बोलो आई एम फाइन, थैंक यू गाइस। ये तो ऐसे ही करते रहेगा, मैंने चाय रखी है फिलहाल, आई एम वेटिंग फॉर माय समोसा, लेट्स सी कब आते हैं। सो गाइस, समोसे मेरे आ गए हैं, थोड़े से ठंडे हैं, तो मैं इनको कर रही गरम, काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहे हैं, आप लोग देखिए जरा समोसे का निकला भी, ऐसे ज़्यादा गर्म कर नहीं हो पाएंगे बट हो जाते हैं ऐसे थोड़े। और ये लोग सबसे अच्छी चटनी बनाते हैं, दाल वाली चटनी बनाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यमी होती है। और मैंने अपने लिए गुड़ और इनके लिए चीनी यहाँ पे डाल दी है, एंड मेरी चाय देखो कितनी यमी यमी लग रही है, बस उबलने वाली है। सो गाइस, मेरे समोसे आ ही गए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, 5:40 में ये गया था, 6 बजे आ गया, काफ़ी जल्दी आ गया, और मेरी चाय मतलब होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से मैंने गर्म भी कर लिए हैं थोड़े से, ऐसे करके थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते, बंद कर देते हैं, थोड़े बहुत हो जाते हैं। सो यस, यमी यमी समोसे खाते हैं हम लोग चाय के साथ। This is for brother Anil. Your guys, मैं लोगों से कितना बोल रही हूँ, दो दो खाओ, पहले इन्होंने बोल दिया था नहीं भाई, हम तो एक एक ही खाएंगे, हाँ दाल वाली चटनी, तो यार ये लोग कैसे हैं यार, एक एक ही खाते हैं। तो गाइस, मैं ही हूँ यहाँ दो खाने वाली, मैंने इनको मंगाने से पहले बोला था यार दो दो खा लो, कहते अरे यार डिनर भी तो करने हैं, मैंने कहा है तो खा लेते हैं भैया, मैंने अपने लिए दो मंगाए, दो मिले एक बच्चा के लिए, एक इसके लिए भी मंगा रखा है, बोलता तो है, मुझे पता ही खाएगा तो नहीं, पर मंगाया है, मतलब बाहर बाहर वाला खा लेगा पर वैसे नहीं खाएगा। तो संडे तो है आजकल, आज का संडे तो मतलब बड़ा ही अच्छा निकला मेरा, सच्ची बता रही हूँ, वेरी गुड संडे। सो हीटर के सामने बैठ के एंजॉय किया जाए। बाबू बस बाइक पकड़ के घूमने में कतई, बाबू कैसा हो रहा है, यमी
तो गाइस देखो मेरा मलाई भी आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज इसका घी बना लेते हैं। तो ये है मलाई और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर हाफ मैंने इसमें डाल दिया बनाने के लिए और हाफ अभी रहता है। वैसे गर्मियों में तो पूरा गल जाता है ये, बट जाड़ों में अच्छे से होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा पहले इसमें गर्म पानी डालना होता है। वैसे मैंने पहले इसको थोड़ा सा वैसे ही घुमाया एंड उसके बाद फिर घूम ही नहीं रहा था, तो इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाला एंड उसके बाद घूमने लग गया था। देखो मलाई भी बहुत अच्छे से, मतलब मक्खन बहुत अच्छे से निकल गई है। लड्डू गोपाल बाबा को देते, आप खाओ ना बाबू, आ जाओ, ये मेरा बच्चा लड्डू गोपाल, जल्दी आओ, कितना अच्छा हो रहा मक्खन, खाओ। तो गाइस दूसरी बार का भी मेरा बन चुका है, आप लोग देखो। जाड़ों में वैसे जल्दी बन जाता है यार, गर्मियों में तो मेरा बन ही नहीं पाता है वो, पता नहीं मतलब पिघल जाता है ना वो गर्मी से, तो ठंडा पानी उसमें डालना पड़ता है, बट मेरा नहीं बन पाता सच में। तो देखो इतना सा मेरा हो गया, चलो जल्दी जल्दी से इसको रख देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं क्या करती हूँ ना, जो मतलब फुल वोल्टेज में रख देती हूँ जब तक कि ये पिघलता नहीं है मक्खन, एंड उसके बाद फिर स्लो कर देती हूँ, एकदम वन में रख देती हूँ। तो देखो इतना सा घी हो गया है। आप लोग बताओ कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया कि नहीं किया, और लाइक कमेंट तो करना ज़रूर गाइस, और शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। एंड यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।